गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट। 47 को हमने 32 से मल्टीप्लाई करना है। हाईएस्ट वैल्यू को हम राउंड ऑफ करेंगे। 5 से बड़ा है 7, तो 4 में 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे बन गया आपका 50। 2 5 से छोटा है तो इसको हम बनाएंगे 30। 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500। नेक्स्ट है 786, 1 10 100। ठीक है, तो 8 की वैल्यू देखेंगे हम। नियरेस्ट 100 कौन सी वैल्यू है? 10 की। तो 8 क्या है? 5 से बड़ा, 7 में 1 प्लस करेंगे 800। 7 का 7 रहेगा क्योंकि 1s की प्लेस है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 800 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5600 आंसर। नेक्स्ट है 81 को हमने 33 से मल्टीप्लाई करना है। 1s 10s के नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है? 1s की। 1 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको 80 लिख देंगे। नेक्स्ट है 33, ये भी 5 से छोटा है तो हम इसको लिखेंगे 30। 80 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 83 का 24, 24 में डबल जीरो लगा दी साथ। नेक्स्ट है 664 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 1s 10s 100, 100 के नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है? 6, 10s की। तो ये 5 से बड़ा है 6, तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे 700। 9 का 9 रहेगा, 700 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 6300 आंसर। नेक्स्ट है 54 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 1s 10s, 4 क्या है? 5 से छोटा, तो 5 एज इट इज रहेगा, 50 बना देंगे इसको। 9 5 से बड़ा है, 1 प्लस करेंगे 30। 50 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 1500 आंसर। नेक्स्ट है 252 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1s 10s 100, 5 क्या है? ठीक है, 5 ही है ना, तो इसमें 1 प्लस करेंगे, 300 बनाएंगे। 8 का 8 लिखेंगे, 300 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2400 आंसर। तो बच्चों ये आपने अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी करवाया है। आपने 1s की प्लेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। 1s की डिजिट जो है उसको एज इट इज आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट 5.6 एक्सरसाइज। 5.6 एक्सरसाइज में आपको है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। आपको मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है। 97 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, नंबर लिखेंगे 97, डबल जीरो है, डबल जीरो लिख देंगे। 167 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 167 लिखो, साथ में डबल जीरो लगा दो। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 90, तो डबल जीरो साथ में ऐड कर दो। 268 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 804, उसको डबल जीरो ऐड कर दो। नेक्स्ट है 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1000, 1000 को 75 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 75 लिख के ट्रिपल जीरो ऐड करो। 25 4 का 100, 547 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 547 लिखो, साथ में डबल जीरो ऐड कर दो। सेकेंड पार्ट है मैच द कॉलम्स। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, देन जो भी आंसर होगा उसके साथ मैच करोगे। 25 0 का 0, 0 4 का 0, 0 5 जा 0, तो इसका जीरो के साथ मैच करेंगे हम। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 25 फोर जा 100, साथ में जीरो ऐड करो 1000, तो इसको यहाँ पे ऐड मैच करो। 2545 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा। 25 फोर जा 100, 100 सेवन जा 7000, सॉरी 25 फोर जा 100, 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया 700। 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1000, 1000 को 7 से किया 7000, इसको इससे मैच किया, क्लियर है। थर्ड पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है तो ट्रू लिखो, गलत है तो फॉल्स। 105 आर 500 बट इज इक्वल टू 105 है, तो ये फॉल्स। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करो 1000, तो ये क्या, सॉरी 200 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया ये 10,000, बट ये 1000 है तो फॉल्स। 25 फोर जर 100, 100 को 13 से किया 1300, ट्रू। 68 को 86 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6888 मल्टीप्लाई 6, ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल है तो फॉल्स लिखो। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी अनइक्वल है, फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो भी ठीक है स्टेटमेंट उस पर आप टिक लगाओगे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 11 इज। आपने सारे इवन नंबर्स 5 एंड 11 के बीच जो जो आते हैं, जैसे 6, 8 और 10,
थ्री इवन नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? जैसे ये देखो, 6, 8, 10, 10 8s are 80, 86 का 480, तो यहाँ पे 480 पे टिक लगाया। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल होल नंबर्स टिल 6 तक होल नंबर कौन कौन से हैं? 0, तो यहाँ पे हमने लगा दिया टिक। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल होल ऑड नंबर्स बिटवीन 6 and 12, 6 and 12 के बीच में जो ओड नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से ओड नंबर है 6 और 12 के बीच? 7, 9, 11, 11 9s are 99, 99 को हमने 7 से किया, 9 7s are 63, 63 में अब 6 ऐड करो, 69, 693, तो यहाँ पे टिक लगाया। 99 को 900 से करना है तो कैसे करोगे? 99 9s are 891, साथ में 00 ऐड कर दो, ठीक है? तो ये आंसर आया। नेक्स्ट है 50 multiply - = 3000, 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3000 आए? तो आप कैसे करोगे? 3000 लिख के 50 डिवाइड कर दो, 5 6 का 30, ठीक है? तो यहाँ पे 60 आंसर, जो भी स्टेटमेंट ठीक है वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो ये हमारा था 5th चैप्टर, इसको अच्छे से बच्चे समझ के आपने कॉपी पे करना है।